कोविड-19 की चुनौतियों के बीच प्रदेश भर में 15 अप्रैल से फायर सीजन शुरू हो चुका है। फायर सीजन में हर वर्ष आग की घटनाओं से वन संपदा को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। फायर सीजन में आगजनी की घटनाओं से निपटने और जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग कांगड़ा ने विशेष प्रबंध किए हैं। गर्मियों के दौरान जिला कांगड़ा में भारी मात्रा में आग की घटनाएं होती हैं, क्योंकि जिला में अधिकतर वन क्षेत्र में चील के वृक्ष होने के साथ साथ भारी मात्रा में लेटेना मौजूद रहता है, जिससे जंगलों में आग लगने की घटनाएं फैलती हैं। गर्मियों में आग की घटनाओं से जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए जिला कांगड़ा में मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। जिला कांगड़ा में लगभग 1,63,999 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। जिला में 1 लाख से अधिक एरिया लेटाना घास से इन्फेक्टेड है, जिस कारण आग की घटनाओं में काफी वृद्धि होती है। जिला कांगड़ा वन विभाग के कंजर्वेटर देवराज कौशल ने बताया कि गर्मियों में अधिकतर आग की घटनाएं लोगों द्वारा लगाई जाती हैं और आग का प्रमुख कारण यही माना जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार कोविड-19 के कारण वन विभाग के जागरूकता अभियान को भी झटका लगा है और इस कारण अधिक लोगों को सहभागिता नहीं हो पा रही है। बावजूद इसके विभाग ने सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। कौशल ने बताया कि सीजन के चलते जिला में सब डिवीजन लेवल पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जबकि कंजर्वेटर कार्यालय धर्मशाला में एक मास्टर रूम भी बनाया गया है, जिस पर लोग विभाग को आग की घटनाओं के बारे में सूचित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ विभाग उचित कानूनी कार्रवाई भी करेगा। वनों की आग से निपटने के लिए इस साल हमने काफी विस्तृत तौर पर एक मास्टर प्लान जो है कांगड़ा जिले का तैयार किया हुआ है, और छोटी से छोटे केस से लेकर के बड़े से बड़े केस को निपटने के लिए पूरा वन विभाग जो है ईस्ट मास्टर प्लान के तहत जो है पूरा तैयार है। मैं बताना चाहूँगा कि धर्मशाला वन वृत्त में 1,63,999 हेक्टेयर वन क्षेत्र आता है। इसमें डिमार्केटिव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी हैं, रिजर्व फॉरेस्ट भी हैं, UPF भी हैं, अदर एरियाज भी हैं, और इनकी प्रोटेक्शन जो है इन 2-3 महीनों में आगे आने वाले समय में बहुत अहम हो जाती है। कांगड़ा में जो वन क्षेत्र है उसमें काफ़ी प्रतिशतता में जो है चीड़ पाइन जोन आता है, जो कि काफ़ी प्रोन है फॉरेस्ट फायर्स के लिए। इसके अलावा हमारा यहाँ लंटाना इन्फेस्टेशन भी है, जो 1,63,000 हेक्टेयर में से लगभग 1 लाख हेक्टेयर एरिया जो है लंटाना से इन्फेस्टेड है, और जहाँ जहाँ लंटाना होता है इट एड टू द फायर लाइक ए फ्यूल। कि जितनी फॉरेस्ट फायर्स हमारी होती हैं उसमें 99% फॉरेस्ट फायर जो है वो मैन मेड फायर्स है, इंटेंशनल फायर्स हैं, आदमियों द्वारा लगाई हुई आग के केसेस हैं। इस बार कोविड-19 की वजह से हमारी जो पब्लिसिटी जो पार्ट था वो हैम्पर हुआ है काफ़ी, फिर भी हमने टेलीफोनिकली और दूसरे मास मीडिया की उसकी के द्वारा लोगों को अवेयर करने की कोशिश की हुई है। इसके अलावा अगर उसके बावजूद अगर कोई आग लग जाती है तो जो हमारा मास्टर प्लान है उसके तहत हमने क्या किया हुआ है कि हमने जो हमारा मुख्य कंट्रोल रूम जो धर्मशाला में है, जो CF ऑफिस धर्मशाला है, उसका उसमें हमारा जो मास्टर प्लान मास्टर कंट्रोल रूम है जिसका नंबर है 224959। इसके अलावा 3 और कंट्रोल रूम हमारे एक पालमपुर में है जिसका नंबर है 232630, और धर्मशाला का DFO के ऑफिस का एक और कंट्रोल रूम है 224887, और नूरपुर का एक और कंट्रोल रूम है हमारे पास 220490। तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, किसी संस्था का हो, अगर किसी को भी आग लगने की कहीं सूचना मिलती या कहीं दिखती है तो कृपया करके इन नंबरों पर जो है तुरंत जो है इंटीमेट करें, ताकि हमारी जो टास्क फोर्स है वहाँ तुरंत मौके पर पहुँचे और कम से कम नुकसान हो। लेकिन मैं सही तरीके से आपको बताना चाहूँ, जो असली जो नुकसान होता है, जो करोड़ों कीड़े मकोड़े पक्षी जानवर और एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज में जो पार्ट प्ले करता है, ये सबको अगर आकलन किया जाए तो कई करोड़ों और अरबों में ये नुकसान होता है। तो मेरी ये विनम्र अपील है सभी से कि कृपया करके अगर किसी भी आदमी को अगर कहीं फायर फॉरेस्ट फायर दिखती है इन नंबरों पर हमें सूचित करें। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर 9418017661 है, जो कि 24 घंटे
खुला रहता है।